क्या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप कंटेंट क्रिएट करके मार्केट से क्वालिटी कस्टमर बना सकते हैं? क्या एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा? और क्या वाकई आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कंटेंट क्रिएट करने में फायदा है या नुकसान? इन दिस वीडियो मैं डीप जाऊंगा एंड आई विल टेल यू द साइकोलॉजिकल रीजन एंड क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या आप सोच रहे हैं इस बिजनेस में आने के लिए। सो बी विथ मी, इट्स अ वेरी रिसर्च, आई वुड से रिसर्च बेस्ड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड दिस विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट कंटेंट क्रिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ पे हैं और आप मुझे लाइक कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको मेरे इस एपिसोड या मेरे वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गेट इनटू द गेम, व्हाई यू शुड क्रिएट कंटेंट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला सर आप हिंदी बोला करो, मैं भी हिंदी वाला बनता हूँ, मुझे अंग्रेजी इतनी ज्यादा आती नहीं है, लेकिन अब बोल बोल के एक अभ्यास हो गया। अदरवाइज आई लव हिंदी, आई लव माई कंट्री एंड आई लव माई इंडिया। ओके सो लेट्स गेट इनटू द गेम ऑफ कंटेंट क्रिएशंस, व्हाट दिस कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट। अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो आई कैन अंडरस्टैंड, यस स्क्रीन दिख रही है आपको। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन आई विल टॉक अबाउट द माइंडसेट, देन आई विल टॉक अबाउट एक्शन, सेवन रीजन आपको कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मिथ की बात करते हैं दोस्तों, मिथ क्या है जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, तो जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके क्या चैलेंज होते हैं और क्या वजह है कि लोग कंटेंट क्रिएट नहीं करते? सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में मिथ है, जो एक मिथ का मतलब होता है जो झूठ है सच नहीं है, मिथ ये है कि मार्केट में कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मुझे तो पीएचडी करनी पड़ेगी फाइनेंस मार्केट में और मुझे तो बहुत पता होना चाहिए। ये लगता है कि इसलिए लोग कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता होना चाहिए, मुझे मार्केट में सब पता होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में। ये झूठ है, मिथ है। दूसरा मिथ है, लोग लगता है कि यार बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बताऊंगा रियलिटी क्या है। तीसरा मिथ है, लोग लगता है वही बताया मैंने, मुझे पंडित बनना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी का विद्वान होना पड़ेगा, क्योंकि लोग, अरे यार सबसे ज्यादा जो यूट्यूब में कंटेंट लोग सुनते हैं वो हिंदी में सुनते हैं। आपको हिंदी में, अगर हिंदी बात करो, संस्कृत में बात करो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसी भाषा में आप बात करो, उसी भाषा के कंफर्टेबल लोग आपको सुनेंगे और वो आपकी तरफ चल के आएंगे। सो इंग्लिश इज नॉट अ चैलेंज, ओके? डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, किसने कहा अंग्रेजी आना चाहिए? एंड फोर्थ, लोग लगता है यार ये वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला काम है, ये है, कुछ नहीं भाई। अगर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो इतना ही होना चाहिए, अगर आप Facebook चला सकते हो इतना ही आना चाहिए बस, इससे अगर आप स्मार्टफोन चला सकते हो इतना ही आना चाहिए बस, इससे नहीं आना चाहिए। तो ये मिथ आपके मैंने ब्रेक कर दिए, ये कुछ सच नहीं है। ओके अब रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी? सिंपल है, अगर आप अंदर से वाकई जेन्युइनली, अगर आप जेन्युइनली मार्केट में वैल्यू ऐड करना चाहते हो अपने कस्टमर्स की लाइफ में, वो लोग जो आपके फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं, विच मीन्स आप मार्केट में वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे के मार्केट में वैल्यू ऐड करना चाहते हो इनसाइड से, ये कंटेंट क्रिएशन होता है। जैसे मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप कंटेंट क्रिएट करें, मुझे पता है उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ये भी तो मैं वैल्यू दे रहा हूं आपको, आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी टू यू, राइट? सेम थिंग, जब आप मार्केट में वैल्यू देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और कस्टमर चल के आएंगे। मैं बताऊं कि क्यों आते हैं, राइट? अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, अंडरस्टैंड द थ्योरी लेवल, कंटेंट क्रिएशन क्या है। बहुत सिंपल है, देसी बात में समझा रहा हूं आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आप शेयर करते हो उन लोगों के लिए जो आपके कस्टमर हो सकते हैं फ्यूचर में, उससे उनका फायदा होता है। सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन योर मार्केट प्लेस टू एड वैल्यू, बस वैल्यू एडिशन गेम है। तो कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा हटके होता है। अभी क्या हम क्योंकि चेजिंग मॉडल में लगे हुए इतने साल से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री, इसी चेजिंग मॉडल में लोग काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है बस जाओ कस्टमर बनाओ और बेच के आ जाओ, बट कंटेंट क्रिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों।
उसमें एक आप तरीके से कहते हैं फार्मिंग, आप बीज बो रहे हो, पौधे को नर्चर कर रहे हो, उसमें खाद पानी दे रहे हो, तब वो बड़ा होगा, तब उसमें फल लगेंगे, तब जाके आपको उसमें पैसा मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो इतने लगते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो कंटेंट क्रिएशन में आपको वैल्यू ऐड करनी है। एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप बता सकते हैं कैसे अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। यू कैन मेक अ वीडियो हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट। आप बोल सकते हैं हाउ टू डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट। हिंदुस्तान में लोग सेव तो करते हैं, बट लोगों की हैबिट नहीं होती है। आप बताइए कैसे सेविंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। यू कैन मेक अ वीडियो हाउ टू चूज बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस, बताइए उनको। यू कैन मेक देम हाउ टू प्लान योर चाइल्ड एजुकेशन हायर प्लान। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप सर्च करेंगे, यू कैन फाइंड आउट। और ऑफकोर्स मेरा जो डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर ब्लूप्रिंट और कमांडो चैलेंज में कराता हूँ, उसमें मैं डीप में जाता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे आप वो कंटेंट क्रिएट करें जो आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट है। वो मैं सिस्टम में लेके जाता हूँ डीप, और रिसर्च भी बताता हूँ आपको। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसको जान सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट लेवल। अब बात करते हैं माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना सीखना है। तो ये वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ डू यू क्रिएट कंटेंट। अगला वीडियो आएगा, बताऊंगा उसमें कि कंटेंट क्रिएट करते कैसे हैं। ये वीडियो मैंने बनाया कि पहले आपके माइंड की, दिमाग की बत्ती जल जाए कि एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता हो कोई चीज महत्वपूर्ण है तभी हम करते हैं। ह्यूमन बींग्स हम लोग ऐसे होते हैं, जब तक हमारे फायदे की बात नहीं होती हम सुनना भी नहीं चाहते। तो अगर आप इसको वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है कि आपके फायदे की बात हो रही है, और बिल्कुल आपके फायदे की बात हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कंटेंट क्रिएशन माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंड ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट में चेंज क्या हो रहा है, दुनिया जा किधर रही है, व्हाट द मार्केट इज गोइंग ऑन, वेयर द मार्केट इज गोइंग ऑन, लोगों के माइंडसेट में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर आप देखें पिछले 10 साल में डिजिटल वर्ल्ड ने सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करी, किसी इंडस्ट्री ने उसको ग्रोथ नहीं की, राइट? आज लोग आटा, दाल, चावल, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, पिक्चरों की टिकट, ट्रेवलिंग पैकेज, सब कुछ डिजिटल तरीके से खरीद रहे हैं। आज लोग बच्चों को स्कूल डिजिटल तरीके से करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बदल चुका है और कोविड ने तो और इसमें तेजी ला दी। तो अगर आप चाहे तो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मार्केट में डिजिटल तरीके से सेल कर सकते हैं। वो कंटेंट क्रिएशन अपने माइंड से होना चाहिए। 2024 तक, ये मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ, 2024 तक आप देख लीजिए 22,000 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का बिजनेस होगा ऑनलाइन वर्ल्ड तरीके से। एक डेटा और, पिछले 2 साल में 18% लोगों ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सर्च करके ऑनलाइन खरीदे हैं। अब ये 22,000 करोड़ का जो बिजनेस आएगा वो किसके पास जाएगा? जो लोग मार्केट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और जब आप वैल्यू ऐड करोगे, जब लोग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो आप वहां दिखेंगे और आपका वहां पे बिजनेस आएगा। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? ये माइंडसेट आपको ओपन होना चाहिए। कैसे करते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या रीजन है व्हाई यू शुड क्रिएट द कंटेंट सो दैट यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। पहला रीजन, टू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन ऑफ योर मार्केट एंड बिल्ड योर इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल समझिए, आज ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेप्सी, कोका कोला, या जितने भी ये शैम्पू, एफएमसीजी कंपनी, गाड़ी घोड़ा वाले, ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टारों को और क्रिकेट सितारों को क्यों बनाती है ब्रांड एम्बेसडर? क्यों उनको लोग देते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और वो एड बार बार चलाते हैं, बार बार चलाते हैं? क्योंकि उनका एक इन्फ्लुएंस है मार्केट में, उनको हम लोग टीवी में देखा है, वो स्टार है। तो जब वो काम ऐसा, जब वो बोलते हैं ये साबुन लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, ये गाड़ी खरीदो, मैं तो देखो ये पीता हूँ तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, रजनीगंधा खाओ तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप देख रहे हो ना कितना कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने हमारे दिमाग के अंदर एक अपनी इमेज बना रखी है, उनका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। तो जब वो कोई काम कहते हैं तो हम जाके, क्योंकि हमारा उनका इन्फ्लुएंस है, हम वो काम करना चाहते हैं। जब आप मार्केट में कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी भी जो इमेज है, आपका इन्फ्लुएंस जो है, वो मार्केट में लोगों के दिमाग बनना शुरू होता है कि यार ये जो पर्सन है, ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पर्सन है, ये टिपिकल सेल्स का चेकू आदमी नहीं है, ये तो मार्केट में वैल्यू दे रहा है यार, ये तो मुझे बता रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब वो मुझे वैल्यू ऐड कर रहा है। तो जब आप क्रिएट करना शुरू करोगे तो आपकी मार्केट में एक इन्फ्लुएंस, एक आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है, लोग आपको दूसरे नजर से देखना शुरू कर देते हैं। यकीन नहीं तो 90 दिन आप फॉलो करना जो मैं सिखाता हूँ अपने डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर चैलेंज में, योर गेम विल चेंज। तो नंबर वन आपको वैल्यूएबल बना देगा अगर आप कंटेंट क्रिएट करना सीख के करना शुरू करेंगे तो, और कोई रास्ता बहुत आसान है। क्लियर हो गया? नंबर दो, यू नीड टू बी विजिबल एवरीवेयर। देखिए एक बड़ा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? जो दिखता है वही
बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दौड़ेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। यस नो? अगर आप विजिबल मार्केट में नहीं है, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आपके इंटेंशन बहुत है, कौन पूछता है यार, नोबडी केयर। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। कहते बड़ी अच्छी कहावत है, इफ पीपल डोंट कम टू यू, यू गो टू देम। सिंपल है। तो अगर आप दिख ही नहीं रहे हो कहीं, आपको कुछ आता ही पता नहीं है, तो कौन पूछेगा आपको? जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हीं में लगे रहो। सो विजिबल होने के लिए, और खासकर डिजिटल वर्ल्ड में, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड में विजिबल आप होंगे, उससे आपका फायदा फिजिकल बिजनेस नहीं होता, क्योंकि लोग आपको जब सर्च कर देखते हैं तो अच्छा वो फाइंड, अच्छा ये भी है। तो आपकी इमेज, जैसे मैंने बताया पहले पॉइंट में कि इमेज जब बढ़ेगी तो आपकी विजिबिलिटी जब बढ़ेगी, इमेज अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नो डाउट अबाउट इट। सो जो दिखता है वही बिकता है। आपको विजिबल होने के लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। दो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि बस भेजते रहो इन्फॉर्मेशन, ये भेज दिया, या आजकल लोग वो इन्फोग्राफिक व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं उनको। नो, गेम है वैल्यू की। आपके कंटेंट में वैल्यू होना चाहिए। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कंटेंट क्रिएट करते कैसे, उसे मैं डीप में जाऊंगा कि कंटेंट में अगर वैल्यू है तो लोग देखेंगे, वरना किसी को फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर। अगर उसमें उनके फायदे की बात हो रही है, जैसे इस वीडियो में मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, तभी आप सुन रहे हैं, वरना आप तक आप चले गए और चले गए होते, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएबल गेम। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आप विजिबल हो पाएंगे। मेक सेंस? तीसरा पॉइंट है बिल्ड द ट्रस्ट विद द पीपल। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? पहले कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। कहते हैं सर्विस दो और पैसे कमाओ। सो पहले कुछ देना पड़ता है फिर मिलता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तब उसको फसल मिलती है, जब आदमी नौकरी एक महीने करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। सेम बिजनेसमैन जब पहले पैसा लगा के बिजनेस करता है तब उसको पैसे आते हैं। ऐसे ही आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप इसको गेम को समझे, अगर आप मार्केट में वैल्यू देना शुरू कर दे बगैर किसी कस्टमर को कुछ लिए, उसे उसने तो कुछ खरीदा नहीं है, बट आप उसको वैल्यू दे रहे हो, आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो होगा क्या? आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपका एक ट्रस्ट बनता चला जा रहा होगा। अगर आप मुझे एक साथ देख रहे होते होंगे तो आप मुझे, हाँ यार ये बंदा जो, इसकी वैल्यू, इसके जो कंटेंट है वो अच्छा होता है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करेंगे, और जब ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा तो लोग चल के आना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो बाई एडिंग वैल्यू यू बिल्ड ट्रस्ट, और ट्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण। अगर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कामयाब होना है तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बगैर ट्रस्ट के काम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म अगर सफलता चाहिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म तो ठीक है, एक दो पैसों मिल गए, 10-20-50 हज़ार लाख रुपए कमाना आजकल बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आपको पैसों का चैलेंज होगा तो 50,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म 1 लाख से 5 लाख 10 लाख पर मंथ कमाना है, 20 लाख पर मंथ कमाना है, और सिस्टम से कमाना है, तो फिर आप लोगों को ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और उसमें देखो काम लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, इट विल टेक वर्क। ओके, फोर्थ इज वेरी पावरफुल पॉइंट, यू कैन अट्रैक्ट क्वालिटी कस्टमर। लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैन अट्रैक्ट क्वालिटी कस्टमर, अगर आप सही कंटेंट क्रिएट करते हैं तो। क्यों? जब आप मार्केट में वैल्यू देंगे तो कुछ लोग होंगे जो आपको देखेंगे तो बोलेंगे, हाँ यार ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, कह रहे हैं भाई साहब इन्होंने बताया कैसे रिटायरमेंट प्लान करते हैं, तो आगे अब मैं इनसे बात करता हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि टैक्स रिसीव करते हैं, मैं आगे बात करता हूँ। इन्होंने जो मुझे वैल्यू दी, मुझे अच्छा लगा, तो मैं इनसे बात करता हूँ। द पॉइंट इज, अगर आपने सही वैल्यू दी तो आपके पास में कुछ लोग चल के आना शुरू करेंगे, बट इट टेक्स सम टाइम। मेक सेंस? तो इट्स ऑल अबाउट यू कैन अट्रैक्ट क्वालिटी कस्टमर। मेरा जो सिस्टम है डिजिटल कमांडो चैलेंज या डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर ग्रुप, उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अपना अट्रैक्शन सिस्टम बनाना है, कि कोई आपको देखे और आपके पास चल के आए। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन सिस्टम टू जनरेट क्वालिटी लीड। मैं सिस्टम में सिखाता हूँ अपने। फिफ्थ इज, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और अगर बिजनेस में आपको ग्रो करना है आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको टॉप पे 1-3% में जाना है, आपको सीखना पड़ेगा। There's no other way। जो आपने पहले सीखा था वो आप काम आ तो रहा होगा, लेकिन चीजें बदल रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप वापस चले जाएंगे। कहते हैं आपको अगर पीछे जाना हो तो जहां पे आप हो वहीं खड़े हो जाओ, आप वैसे पीछे हो जाओगे। जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो यू विल लर्न। जब आप लर्न करेंगे योर स्किल्स विल ग्रो, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। मेक सेंस? Sixth point, you can scale your business anywhere exponentially, business beyond boundaries। आप दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, लखनऊ में हो, पंजाब में हो, लुधियाना में हो, या कहीं भी हो, मान लो आप दिल्ली में हो, आपने एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया, किसी ने चंडीगढ़ में देखा उसको, अब उसको अच्छा लगा,
उन्होंने सच किया, आपने बोला कि ठीक है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो क्लिक हियर, वो आएंगे। अब क्योंकि मैं एक सिस्टम बताता हूं आपको कि वो आपको ऑनलाइन कैसे ढूंढ के आपके पास वन टू वन मीटिंग के लिए आ सकते हैं, इसको पूरा सिस्टम बोलते हैं, आपके पास आएंगे देन आप उनको अपना कस्टमर बना सकते हैं अगर वो वैल्यूएबल मिलती है तो ये क्या है बेसिकली, ये अट्रैक्शन मॉडल। जो राइट बंदा होगा जो आपसे वैल्यूएबल कनेक्ट करेगा, जिसको वैल्यू मिलेगी और जो आपसे पर्सनल लेवल पे करेगा कनेक्ट, आपके इंटेंशंस क्या है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन रहता हूं, बहुत सारे क्लाइंट्स स्पिरिचुअलिटी वाले हैं, वो कहते हैं हाँ। सो पीपल कनेक्ट पीपल, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ यू एज ए पर्सन, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। पीपल बाय पीपल, लोग पहले आपको खरीदते हैं, पहले आपको जज करते हैं बिफोर दे मेक अ बाइंग डिसीजन। मिलियन डॉलर पॉइंट है, नोट कर लीजिए, पीपल बाय पीपल फर्स्ट। ओके, तो जो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे वो आपके पास चल के आएंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। और अच्छी बात ये है कि मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप समझ जाए इस गेम को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल एडवाइजर में देखा है कि लोग कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं आपके टॉपिक का, वो तो इन्फ्लुएंसर है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर है ही नहीं। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने बिजनेस को बियॉन्ड बाउंड्रीज कहीं भी बिल्ड कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। जिससे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, दे आर रियली मेकिंग क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया। लास्ट पॉइंट, अपने बिजनेस को सिस्टम से चलाएंगे आप। सिस्टम क्या होता है, देखिए आपने कंटेंट क्रिएट किया, आपने लीड सिस्टम बना रखा है, जिसको अच्छा लगा वो बंदा चल के आया, आपका एक ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग सिस्टम सेटअप है, आप उसको ईमेल के द्वारा आप कस्टमर से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ईमेल के द्वारा दे सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप उनके माइंड के ऊपर, टॉप ऑफ द माइंड, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड में नहीं है तो आपसे नहीं खरीदेंगे। ईमेल सिस्टम के द्वारा आप उनके टॉप ऑफ द माइंड में रहते हैं। और ब्यूटी है ईमेल मार्केटिंग सिस्टम की कि लोग ईमेल चेक करते हैं। हर प्रोफेशनल पर्सन दिन में 4 से 5 से 10 बार अपना ईमेल चेक करता है। व्हाट्सएप भेजेंगे तो बोलेंगे पता नहीं, बट ईमेल तो लोग चेक, व्हाट्सएप ही लोग चेक करते हैं, बट ईमेल इज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ओके, और ईमेल मार्केटिंग सिस्टम सेट करके आप उनको वन टू वन मीटिंग के लिए जूम पे इन्वाइट कर सकते हैं और वहां पे उनकी नीड को समझ के, प्रॉब्लम समझ के, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर, व्हाट एवर जो आप उनको ऑफर करते हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका पूरा सिस्टम बेस्ड। कंटेंट क्रिएट किया आपने, लीड सिस्टम डेवलप किया, आपका ईमेल मार्केटिंग सिस्टम बन चुका है, और फिर आपको लोग ऑनलाइन आपका जो कैलेंडर है वहां पे मीटिंग का टाइम बुक करके आपके पास आ रहे, पूरी साइकिल होती है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। मेरा जो कमांडो चैलेंज प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बने 30 दिन के अंदर, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए कॉन्सेप्ट लेवल, तो अगला जो वीडियो आएगा आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 7 तरीके हैं एज ए स्टार्टर। अगर आपने अभी तक कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पर इससे पहले माय दोस्त, आई वांट टू रिकैप कि मेरा अभी तक कवर क्या किया। पहले मैंने बताया कॉन्सेप्ट की मिथ क्या है जब कंटेंट क्रिएट करने की बात आती है। दूसरा मैंने बताया माइंडसेट क्या होना चाहिए जब कंटेंट क्रिएट करने की बात आती है। इट शुड बी ओपन माइंड, ताकि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन मोड से जा रहे हैं। फिर मैंने आपको 7 पॉइंट बताए कि कंटेंट क्रिएट करना क्यों जरूरी है। आपसे मैं चाहता हूं अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली है तो प्लीज टाइप कि इसमें से कौन सा रीजन आपको अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं कंटेंट क्रिएट करने के बारे में, और क्या आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए तैयार हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और एक चीज में जवाब देगा कि क्या मैंने इस वीडियो में हिंदी यूज करी है या नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इंग्लिश वाले कंटेंट से काफी हिंदी में ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हिंदी में वीडियो बनाया करो, तो मैं प्रयास करूंगा हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगा कि जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो भी इसको देख पाए और जो हिंदी वाले हैं वो भी देख पाए। मैं हिंदी वासी हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और मुझे हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच आप मुझसे जुड़े हुए। अगर आप वाकई कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, पूरा जो मैंने सिस्टम बताया कैसे अपना डिजिटल फाइनेंशियल वैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, तो मेरे साथ एक कमिंग लाइव, मेरा कमिंग फ्राइडे रात को 9 बजे मेरा मास्टर क्लास है, मैं उसमें डीप में जाऊंगा और आपको 3 सीक्रेट बताऊंगा। पहला सीक्रेट बताऊंगा कि एक्चुअली में कंटेंट क्रिएट करने का पूरा जो सिस्टम, जो सेल्स का प्रोसेस, जो साइकिल है, लीड अट्रैक्शन से लेके पूरा वो काम कैसे करता है। दूसरा बताऊंगा कि लोगों की नीड कैसे पता लगाते हैं ताकि आप उनको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर पाए। और तीसरा मैं बताऊंगा आपको कि कस्टमाइज तरीके से कैसे एडवाइस करते हैं ताकि कस्टमर आपका लाइफ टाइम बना रहा है और ये फ्री में हो रहा है। आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड वैल्यू for yourself।
सो रजिस्टर कर लीजिए राइट नाउ एंड मिलेंगे लाइव. थैंक यू वेरी मच. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस. टेक केयर. थैंक यू.